बाबर हमेशा हमारा कैप्टन रहेगा। और आपको क्या लगता है कौन जीतेगा आज? इस्लामाबाद जीतेगा। आप सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए लगता है? नहीं, आजम खान पे कोई उम्मीद है? आजम खान वगैरह नहीं चलेंगे, अगर इस्लामाबाद हारे तो बाहर भी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तहसीन अहमद, आप लोग देख रहे हैं यूनाइटेड पाकिस्तान। इस टाइम मैं रावलपिंडी स्टेडियम के बाहर मौजूद हूं और आज मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग का। जो हारेगा 90% वो प्लेऑफ से बाहर होगा। तो यहां आवाम मौजूद है, इनसे हम पूछेंगे इनके क्या जज्बात है और किस टीम को सपोर्ट करने आए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी भाई, आपका नाम? हसनैन रदाशा। अच्छा हसनैन भाई, आज आप सपोर्ट करने आए हैं, फ्लैग से तो लग रहा है इस्लामाबाद है और लग भी रहा होम ग्राउंड है इस्लामाबाद का। तो आपको क्या लगता है आज कौन जीतेगा? अगर इस्लामाबाद हारे तो बाहर भी है? डेफिनेटली 100% इस्लामाबाद जीतेगा। और कल मैच देखा था रात? हाँ कल मैच देखा था, ये भी लो स्कोरिंग मैच होगा पर इस्लामाबाद विन करेगा। पिंडी स्टेडियम हो, पिच सड़क जैसी हो, तो वहाँ कल इस्लामाबाद जिस तरह स्ट्रगल कर रहा थी ना, अब देखिए ना 2-3 मैचेस के बाद वो पिच कितना खुल गई है। अच्छा, मैं खुद एक क्रिकेटर हूँ। अच्छा, खेले अभी जो पिच की कंडीशन है ना, वो आज देख लीजिएगा, आपके भी चैनल पे बता रहा हूँ, लो स्कोरिंग मैच होगा। तो आपको क्या लगता है आज कौन परफॉर्म करेगा इस्लामाबाद? परफॉर्म इस्लामाबाद से जो करेगा ना, वो एलेक्स हेल के चांसेस हैं अगर ऊपर से खेल गया तो, और नीचे से मिडिल ऑर्डर में आके शादाब खान बैटिंग करेगा। और आजम खान पे कोई उम्मीद है? आजम खान वगैरह नहीं चलेंगे पर इस्लामाबाद विन करेगी। सर जी आपको क्या लगता है? इस्लामाबाद इंशाल्लाह विन करेगी। कैसे कैसे आपको कैसे लगता है ये? कराची किंग भी तो है, पोलार्ड है। पोलार्ड अब उस तरह का नहीं ना खेल रहा, उसकी बैटिंग जो आप वो उस तरह का परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो आपको लगता है इस्लामाबाद 100% जीत जाएगा? इंशाल्लाह 100%। तो आप इस्लामाबाद को देखना चाहते हो सेमीफाइनल चली जाए? इंशाल्लाह जाएगी, इंशाल्लाह। ठीक है, इस्लामाबाद जीतेगी। और सर आपका भी? इस्लामाबाद इंशाल्लाह। इस्लामाबाद पूरा यकीन है आप लोगों को? थैंक यू सो मच। यूनाइटेड पाकिस्तान चैनल का नाम सब्सक्राइब कर देना, यूनाइटेड पाकिस्तान ग्लोबल सर्च कर देना, आ जाएगा, ग्रीन लोगो होगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप मैच देखने आए हैं, आप भी चमक धमक के आए हो, आपने किसको सपोर्ट करना है? कराची किंग को। कराची किंग को, कहाँ से आप? मैं अटक। अटक से? तो कराची किंग को सपोर्ट करने क्यों आए? उधर अटक से आए हो सिर्फ कराची का, या इधर रहते हैं? नहीं, अटक से आए। अगर कराची आज हार जाना है तो बाहर ही होना है? बाहर होना है, इंशाल्लाह जीतेगा। जीतेगा आज, जो हारेगा वो बाहर है, ये आपने सुना है? ये बात तो सुनी है, लेकिन कराची इंशाल्लाह जीतेगा। अभी वो परफॉर्म कर रहे हैं। मैच देखने आए हैं जी, किसको सपोर्ट करना है? इस्लामाबाद को। और आपको क्या लगता है कौन जीतेगा आज? इस्लामाबाद जीतेगा। आप सपोर्ट कर रहे हो इसलिए लगते हैं? नहीं, तो दूसरी टीम में वो है पोलार्ड। दूसरी टीम में पोलार्ड है, तो पोलार्ड को सपोर्ट करो। पोलार्ड को चार्ज कर लेते नहीं, हमें पसंद नहीं पोलार्ड। कराची नहीं पसंद या पोलार्ड? कराची पसंद है, पहले पिछले पीएसएल में वही टीम थी आपकी फेवरेट। हाँ जी। और इस पीएसएल में, पिछले पीएसएल में क्यों थी वो, किसकी वजह से? आमिर था उधर। हाँ जी, आमिर की वजह से। हाँ जी। और आमिर तो इस दफा क्वेटा में, क्वेटा फेवरेट नहीं है? नहीं, इस बार पिशावर है। बेचारे बाबर के साथ बहुत बुरा हुआ है। कैसे? उसको उसके साथ जाती हुई, ये कैप्टनसी से निकाल दिया। तो आपको जो शाहिन शाह फरदिया पाकिस्तान का कैप्टन है? नहीं, मुझे नहीं पसंद। नहीं पसंद? बाबर हमेशा हमारा कैप्टन रहेगा। और रिजवान अगर कैप्टन बने तो? वो भी ठीक है, शाहिन नहीं होना चाहिए। नहीं, बाबर या रिजवान? बाबर या रिजवान। अच्छा, थैंक यू सो मच। अच्छा, किस टीम को सपोर्ट करने आया? पहले तो पिशावर का करता था, लेकिन अब इस्लामाबाद को करने आया हूं आज। आप कहाँ से आए? चकवाल से आए। सिर्फ मैच देखने आए? इधर रहते हैं? नहीं, मैं आज स्टडी वगैरह भी करता हूँ तो। मैंने कहीं देखा है आपको, मुझे लग रहा है। अच्छा, मैं स्टडी करता हूँ तो बस आज क्रिकेट था, फ्री भी था, मैंने कहा आज चलता। तो आज आपका फेवरेट प्लेयर कौन है इस मैच में? फेवरेट प्लेयर मैं देखना चाह रहा हूँ आज कॉलर मुनरो कितने स्कोर में आते हैं। अच्छा, उनको देखने आया हूँ मैं। वैसे शादाब कैप्टन, शादाब कभी फॉर्म में नजर आता है, कभी फॉर्म में नजर नहीं आता। हाँ, ये तो होता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे प्लेयर्स करता है, कभी बाबर की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, कभी नीचे डाउन होती है। अच्छा, लेकिन बस ये है कि कैप्टनशिप हम लोग देख रहे हैं कि इस टाइम अब आगे किसकी अच्छी आती है। अच्छा, आपको क्या लगता है पाकिस्तान का, पाकिस्तान आगे T20 वर्ल्ड कप है, तो T20 के लिए बेस्ट कैप्टन कौन हो सकता है? कोई आपके नजरों में कोई ऑप्शन? अगर T20 की बात की जाए तो T20 के लिए मेरे ख्याल से बाबर आजम को ही रखना चाहिए कैप्टन, रिजवान को नहीं। रिजवान तो पीएसएल देखे, ये तीसरा पीएसएल है, वो जबरदस्त खेल। रिजवान भी अच्छा है, लेकिन बाबर की परफॉर्मेंस, बाबर की, बाबर को होना चाहिए। अच्छा, थैंक यू सो मच। तो यार इस टाइम रावलपिंडी स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ और यह आवाम का जो जज्बा है ना, ऑब्वियसली इस्लामाबाद यहाँ का होम ग्राउंड है, तो सब लोग इस्लामाबाद को सपोर्ट करने आए। तो इस वीडियो को यहाँ पॉइंट ऑफ करते हैं और लोगों से पूछ लेते हैं, इंटरव्यूज वगैरह ले लेंगे। तो मेरे साथ बनते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।